उत्तराखंड के जसपुर में आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा से लड़ने को लेकर अपनी प्रबल दावेदारी पेश की है। बता दें कि ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर ने जसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए कहा है कि युवा सोच के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो प्रदेश के विकास में नए आयाम के साथ काम कर रहे हैं, युवा सरकार है और युवा भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जसपुर विधानसभा सीट से सबसे प्रबल मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि दूसरे भाजपा के दावेदारों को क्षेत्र में अपना संगठन बनाना पड़ेगा और उन्हें संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका संगठन जसपुर क्षेत्र में काम कर रहा है और जमीनी स्तर पर उनका संगठन बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी युवा हैं और वह भी युवा हैं, इसीलिए उनकी दावेदारी प्रबल है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार जसपुर विधानसभा सीट से भाजपा से उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। किसानों का जो रोष वाली बात आपने की है वो पहले था, अब मोदी जी ने उनकी सारी मांगे मान ली है, अब किसानों में ऐसा कोई भी रोष नहीं है, किसान हमारे साथ हैं। और जहां तक कि दावेदारों में मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जितनी भी दावेदारी पेश की गई हैं उनमें मेरी दावेदारी जो है मजबूत है, क्योंकि मुझे किसी भी गांव में या किसी भी क्षेत्र में जाकर टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरी टीमें काम कर रही हैं और इस क्षेत्र की जनता को भी पता है कि ऑलरेडी हम यहाँ से उप ब्लॉक प्रमुख भी हूँ, मेरी बहन ब्लॉक प्रमुख है, पहले भी हमने पार्टी को जीतकर निर्विरोध सीट दी है, पार्टी के खेमे में डाली है। और जो पार्टी का कल लगभग 7 लोगों ने दावेदारी की है जसपुर में, और जो पार्टी का आदेश होगा उसको हम पूरा मानेंगे, और पार्टी टिकट तो एक को ही मिलेगा और जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोत्तम होगा और उसकी पूरी मान्यता मानी जाएगी।